एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल आजकल जो है हरियाणा में है ना मर्डर केस ज़्यादा होने लग रहे हैं। आपने हमारी पहली भी वीडियो देखी होंगी, कभी भाई शामड़ी में, कभी भाई पुट्ठर में, कभी ट्रू में, कभी कहीं। तो बहुत ज़्यादा जो है आजकल मर्डर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक रही है, वो जुर्म की दुनिया की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चे, नए जो युवा पीढ़ी है वो क्यों जुर्म की तरफ बढ़ रही है, क्यों नहीं वो अच्छे कार्यों की तरफ जा रही। तो फिलहाल एक ऐसा ही मामला, सनसनीखेज मामला जो है गांव छतेरा में घटा है, जिसमें कि एक कितने साल का था जी लड़का, 38 साल का, एक 38 साल के लड़के की जो गोलियां मारकर जो है हत्या करने का मामला जो यहां पर काश में आया है। फिलहाल हम छतेरा गांव में पहुंचे हैं और छतेरा गांव में जो मृतक लड़के के परिजन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल पूछेंगे जी मामला क्या था। तो राम राम जी। राम राम जी। तो सर आप एक बार पूरा संक्षेप में मामला बताइए, उस दिन क्या घटना घटी, मतलब यह घटना जो घटी है उस दिन बच्चा जो यहाँ से घर से गया है तो वो किस टाइम निकला है? वो लगभग यहाँ से निकला जी 5 बजे। हाँ, छोटा जो था लड़का का जन्मदिन मना रहे थे, सारा परिवार इकट्ठा हो रहा था, तो वह अचानक गया कहीं से, कॉल आई है वहाँ महमूदपुर से, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर के निकल गया, हमें पता नहीं चला। तो हमारे पास तो 20 मिनट में ही वापस मुझे उधर से कॉल आई, फ़ोन आया कि बच्चा किसी तरह गोली लगी तुम्हारे देवंदर गए, तो काला देवंदर और काला कहा कर दो जिसको, तो हम यहाँ गए जी, जाके देखा था जी वहाँ मृत पड़ा मिला हमने। तो बता जा रहा है एक लड़के को और जो उसका साथी था उसको भी गोली लगी है? हाँ, उसका साथी था जी वहाँ उसी गाँव का, महमूदपुर गाँव का, जयबीर नाम का। हाँ, उसका भी गोली लगी हुई है जो रोहतक मेडिकल में है, उपचार के लिए वहीं पर है जी, एडमिट है रोहतक मेडिकल में गया हुआ है। तो गोली किसने मारी है ये भी पता होगा? गोली जी हम गए बता रहे हैं कोई महमूदपुर का है जी, गुंगा उन्होंने मारी है। अच्छा। हाँ हाँ, अमित उर्फ गुंगा जी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मारी है जी। तो क्या अमित के साथ भाई देवेंद्र नाम बताया ना आपने लड़के का, देवेंद्र के कुछ मतलब याराना संबंध है या दोस्ती थी या कुछ लेने देने का, पैसे के लेने देने का कुछ वो था? पैसे का लेने देना कुछ नहीं था जी उसके साथ, उसके साथ कोई रंजिश नहीं थी। हाँ, गुंगा अमित के साथ कोई भी रंजिश नहीं थी जी। तो अचानक अगर वो साथी था उसका, वो जयबीर था जिसके गोली लगी हुई है, हाँ वो उसके कहने पर गया कि पता नहीं जा हमने उसने कहा या ना कहा, हमें तो उससे भी हमारी को बातचीत नहीं हुई है क्योंकि वो एडमिट है हमारे तक। हाँ, उससे हम तो पोस्टमार्टम का वहाँ खानपुर कल दाह संस्कार कर दिया, तो हम अपना यहीं बैठे हैं जी अपने शोक सभा। तो फिर पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है, उठाया उसको? हाँ, पुलिस प्रशासन ने उठाया जी कार्रवाई की, वो वहाँ मेडिकल में लेकर गए खानपुर, पोस्टमार्टम करवा और हमें कल हमारी डेड बॉडी सौंप दी उन्होंने। अच्छा। हाँ, हमने तो दाह संस्कार कर दिया। तो मतलब जो रंजिश है कुछ लेन देन का जो भी चक्कर था वो उस मोहम्मदपुर वाले का था उनके साथ? हाँ, वो हमारा नहीं, देवंदर का नहीं था जी। अच्छा। वो नहीं कहा होगा, पता भी नहीं, मैंने उनका है ना है, लेकिन हमारे साथ नहीं था। अच्छा। तो भाई देखो, ये थे हमारे साथ जो जुड़े थे, ये छतेरा के एक्स सरपंच है और इन्होंने जो बताया है कि हमारे लड़के की उनके साथ कोई लेने देने का या पैसे का किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। और फिलहाल जो बताया गया है दूसरा लड़का जो है जयबीर नाम का, तो वो भी मुंदपर का ही बताया गया है, उस मुंदपर के लड़के की ही कुछ हो सकती है उस लड़के के साथ, अमित के साथ। तो फिलहाल अब पूरा मामला क्या है अभी तक परिजनों को भी नहीं पता है? नहीं जी, हमें इस बात का कोई पता नहीं जब तक, तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, मैं बाद में पता चलेगा कि ये घटना कैसे हुई, हमें पता नहीं जी अब तक। तो क्या काम करता था देवेंद्र? खेतीबाड़ी करता था। अच्छा, खेतीबाड़ी। तो भाई ये देखो, देवेंद्र भाई जो गुजरे हैं वो खेतीबाड़ी का ही कार्य करते थे और परिजनों को जो है अभी तक नहीं पता है भाई देवेंद्र वहाँ पहुँचा कैसे, फ़ोन किसका आया था जी? वो भी नहीं पता जी, फ़ोन किसका आया, तो बोल रहे हैं कि उसी गांव से आया, किसका आया है, जयबीर का आया है या किसका उसका मारने वाले का है, हमें इस बात का कोई मालूम नहीं जी। वो पुलिस अभी जाँच कर रही है, अब हम यहाँ बैठे हैं तो ये जो अपनी 13वीं होली उसके बाद हम देखते हैं। तो ये घटना जो है, इस घटना को अंजाम मुंदपुर में दिया गया है? मुंदपुर, इस घटना को मुंदपुर में अंजाम दिया गया है, छतरे में कोई लेना देना नहीं जी, छतरे से। अच्छा। मुंदपुर में दिया गया है। तो फिलहाल प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहोगे? कुछ नहीं, प्रशासन ठीक है जी, जो हमारे वो मर रखा है जंदर को,
उनको जी पकड़ा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, तो उनको सजा दिलाई जाए जी। हम तो प्रशासन यही अनुरोध है। अच्छा, ये देवेंद्र जो शादीशुदा था? हाँ, शादीशुदा था जी। दो लड़के हैं, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है। तो भाई देखिए, जो इस भाई ने भी यो कांड किया है, जिसने भी भाई आगे पाछे देख लिया करो, अगर कुछ लेन देन था या कुछ रंजिश थी, कुछ कया सुनी थी, तो बैठकर उस मसले का हल भी निकल सकता था। ये कोई समाधान नहीं होता कि ठार गोली मार दी। ऐसा करने से एक बात बताओ, आपने एक परिवार को उजाड़ दिया, उन बच्चों को अनाथ कर दिया। क्या कसूर था उन बच्चों का, क्या कसूर था उसकी पत्नी का, क्या कसूर था उसके माँ बाप का, जिनको आपने आज खून के आंसू रुला दिया। और मैं अपने सभी युवा साथियों से कहना चाहूँगा, भाई ये गंदे रास्ते हैं, इनको मत अपनाओ। मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलो, बड़े बूढ़ों से कुछ सीख लो, अच्छा पढ़ लिख कर कोई जॉब करो, सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट करो, बढ़िया तरीके से इज्जत की ज़िंदगी जियो। ये गुनाह करने से कोई, एक बात बताओ, इस घर का तो नाश कर ही दिया, लेकिन नाश उस घर का भी है, सामने वाले का भी, जिसने ये कांड किया है, जिसने ये हत्या की है। तो फिलहाल प्रशासन से अनुरोध करेंगे, भाई जिस भाई ने भी ये काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और कुछ कहना चाहेंगे जी? तो मैं एनडी छोरा गौतम, कैमरामैन धर्मवीर के साथ, बने रहिए एनडी छोरा गौतम के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।